बारिश का नया सिलसिला शुरू। रात से मुसलसल बारिश, मगरबी हवाओं का नया सिलसिला पंजाब में दाखिल। गरज चमक के साथ बादल जमकर बरसे। एबिट रोड, डेविस रोड, मॉल रोड, कैनाल रोड, फिरोजपुर रोड पर बारिश। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। सबसे ज्यादा बारिश पंजाब यूनिवर्सिटी के इलाके में 18 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक और एयरपोर्ट पर 16, गुलबर्ग और नश्ता टाउन में 14, समनाबाद में 12, गुलशन रावी में 11 मिलीमीटर बारिश हुई। ताजपुरा और चौक नाखुदा में 10, मुगलपुरा और फारुखाबाद में 9, जेल रोड और अपर मॉल में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सारा दिन बारिश होती रहेगी, महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा, नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। वासा की कारकर्दगी का पोल खुल गया। जगह जगह बारिश का पानी जमा, मैकलोड रोड, लक्ष्मी चौक, जिला कचहरी, शिमला पहाड़ी, रेलवे रोड पर पानी खड़ा हो गया। राहगीर शदीद अजियत का शिकार। लेस्को का तरसीली निजाम भी ठंडा पड़ गया। लेस्को के 130 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। सांदा, राजगढ़, गड़ी शाहू, रेलवे रोड, चौबुर्जी पार्क, बादामी पार्क, आमिर रोड, मुगलपुरा और दीगर इलाके बिजली से महरूम। सर्दी बढ़ते ही गैस बंदिश का बवाल, शहरियों का बुरा हाल। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश और प्रेशर में कमी। खातीन को घरेलू अमूर निपटाने में दुश्वारी का सामना। तलब बढ़ते ही एलपीजी माफिया भी सरगर्म। LPG 180 रुपए किलो में फरोख्त की जाने लगी। इंतजामिया खामोश तमाशाई। रेल और फजाई मुसाफिरों की मुश्किलात भी बरकरार। एयरपोर्ट पर 2 परवाजें उड़ान ना भर सकी, 5 ताखिर का शिकार। लाहौर आने और जाने वाली तमाम ट्रेनें घंटों लेट। मौसम सरमा की इजाफी छुट्टियां भी खत्म। तमाम निजी और सरकारी स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज। बारिश के सबब तलबा की हाजिरी कम रही। स्कूल पहुंचने वाले तलबा भीग गए। तलबा कहते हैं कि हाजिरी कम होने से पढ़ाई नहीं होगी, इम्तिहानात सर पर हैं। मजीद छुट्टियां देनी हैं तो इम्तिहानात फिलहाल मुलतवी किए जाएं। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ खसूसी अदालत के फैसले का मामला। वफाक का काबीना की मंजूरी के बगैर खसूसी अदालत की तश्कील का एतराफ। मुशर्रफ के खिलाफ केस बनाने का मामला कभी काबीना एजेंडे के तौर पर पेश नहीं हुआ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक खान ने खसूसी अदालत की तश्कील से मुतालिक समरी और रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। टॉप 10 बदमाशों की फहरिस्त जारी करने का मामला। हाईकोर्ट का IG पंजाब को इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। ये लिस्ट कैसे जारी हो गई, अदालत का इस्तफसार। फहरिस्त पर दस्तखत करने वाला सेक्शन ऑफिसर हमारे महकमे का नहीं, सेक्रेटरी दाखिला पंजाब का जवाब। लिस्ट से पंजाब पुलिस का कोई ताल्लुक नहीं, किसी को गैर कानूनी हिरासत नहीं करेंगे। DIG ऑपरेशन का मौकेफ कया बयान देकर आप लोग जान छुड़वाना चाहते हैं। जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। अदालती हुक्म के बावजूद चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब पेश न हुए। पैरागॉन हाउसिंग रेफरेंस में ख्वाजा बरादरान के जुडिशियल रिमांड में 24 जनवरी तक तौसी। जेल हुकाम ने सलमान रफीक को एहतसाब अदालत में पेश किया। ख्वाजा साद रफीक इस्लामाबाद में होने के बायस पेश ना हुए। क्या वादा मुआफ गवाह का बयान ख्वाजा बरादरान को फराहम कर दिया, अदालत का इस्तफसार। बयान की कॉपियां अभी फराहम नहीं की, प्रोसिक्यूटर का जवाब। अदालत का वकला को बयान की कॉपियां फौरन फराहम करने का हुक्म। कैसर अमीन भट्ट बीमार है, तंदुरुस्त होने पर पेश हो जाएंगे। नैब की इस्तदा अदालत ने मंजूर कर ली। बेकसूर हूँ सियासी बुनियादों पर लाहौर पार्किंग कंपनी केस में मुलव्वज़ किया गया। लीगी रहनुमा हाफिज नुमान ने बर्रियत की दरख्वास्त दायर कर दी। एहतसाब अदालत का नैब हुकाम पर नोटिस, 27 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। आमदन से जायद असासाजात का केस, लीगी रहनुमा जावेद लतीफ को आज नैब का बुलावा। MN ने जावेद लतीफ को जायदादों का रिकॉर्ड लेकर पेश होने की हिदायत। नैब की तहकीकाती टीम ने सवालनामा भी दिया था। सिफारिश और पैसे के दबाव में नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करें।
تربیتی کورس کا مقصد نئے قوانین اور معاشرتی مسائل سے آگاہ کرنا ہے۔ کمپیوٹر میں مہارت حاصل کریں ورنہ پیچھے رہ جائیں گے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ مامون رشید شیخ کا مہنگائی کا سونامی تھم نہ سکا۔ برائلر گوشت کی قیمت میں مزید 11 روپے کلو کا اضافہ۔ قیمت 233 روپے فی کلو ہو گئی۔ شہریوں نے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ فوڈ اتھارٹی کا صحت مند پنجاب مشن، ڈی جی کی سربراہی میں شالیمار ٹاؤن میں گرینڈ آپریشن۔ ناقص اور مضر صحت اجزاء سے مربع تیار کرنے والی فیکٹری سربمہر، 12,000 کلو مال برآمد۔ نواکوٹ میں نامعلوم افراد نے ڈاکٹر پر تیزاب پھینک دیا۔ تیزاب پھینکنے سے ڈاکٹر جاوید شدید زخمی، اسپتال میں علاج معالجہ جاری۔ پولیس کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے سی سی ٹی وی کیمروں سے مدد لی جا رہی ہے۔ ملزمان جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ آئی جی پنجاب کا نوٹس، سی سی پی او سے رپورٹ طلب۔ اور پولو گراؤنڈ میں پولو ٹورنامنٹ کی رانائیاں، فیملیز کی پولو ٹورنامنٹ میں بھرپور شرکت۔ غیر ملکی کھلاڑیوں نے بھی ٹورنامنٹ میں حصہ لیا۔ وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم۔